स्टार्ट। नमस्कार, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। बुद्धि और पैसा यानी कि धन, धन लक्ष्मी या सरस्वती, हमारे शास्त्रों में कभी से आपने बहुत सारे सीरियल्स में, सीरीज में देखा होगा कि जहाँ सरस्वती जी होती हैं वहाँ लक्ष्मी नहीं होती, और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती जी नहीं होती। रीज़न हम सब जानते हैं, और मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व भी कर रही हूँ ये चीज़ गाय बगाए। मैंने एक टाइम, अभी थोड़ा टाइम पहले ही मेरी किसी से इस तरह से कुछ डिस्कशन चल रहा था, या यूँ कह दें कि इंट्रोगेशन चल रहा था, उस टाइम मैंने बोल भी दिया क्योंकि मुझे साफ बोलने की आदत है कि मैम जहाँ पे, क्योंकि सामने वो बिजनेसमैन थी, आई जस्ट फॉरगॉट जब मैं बोल रही थी कि जहाँ, क्योंकि जो यूजुअली होता है कि बिजनेसमैन के जो बच्चे होते हैं, यूजुअली आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा पर्सनली इफ़ यू आर बुद्धिमान, तो उस केस में क्या होता है कि वो लोग ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं करते। इंस्टेड ऑफ दैट दे यूज़ टू फोकस दैट हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी। मैं कहीं पे आर्टिकल पढ़ रही थी कि एजुकेशन का मतलब, लिटरेसी का मतलब सिर्फ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। तो फिर क्या औचित्य होता है? पैसे तो जो इंसान फेल हो चुका होता है या जो अनपढ़ इंसान होता है वो भी कमा लेता है, तो फिर वेल एडुकेटेड पर्सन का मीनिंग क्या है? मैंने अपनी क्लास में भी ये क्वेश्चन रेज किया, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी टू से, इसका आंसर नहीं दे पाए। थैंक्स टू दैट आर्टिकल एंड भगवान की कृपा से, थैंक्स टू एवरीवन, इसका आंसर हम सब जानते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वेल एडुकेटेड का मतलब होता है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है पैसा कमाना। पैसा कमाना इज़ अ सेकेंडरी थिंग, जो एक अनपढ़ इंसान भी बहुत आसानी से कमा सकता है, लेकिन वेल एडुकेटेड बेसिकली रेफ़र करता है कि आप कितने वेल मैनर्ड हैं, कितने आपके अंदर एटिकेट्स हैं, किस तरह से आप बिहेव करते हैं आप कहीं भी जाते हैं। एंड आई एम सॉरी टू से कि धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जहाँ पैसा होगा वहाँ हमेशा बुद्धि नहीं होगी। रतन टाटा का इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम आवर कंट्री, उनसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे कोई इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो में कोई भी दिखाई नहीं देता। वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और वो अपने ऑलमोस्ट पूरा जो अर्निंग होती है टर्नओवर का 60-70% या उससे भी कहीं ज़्यादा दान कर देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं। तो इससे बेस्ट एग्जाम्पल कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कहीं ना कहीं आपके पास पैसा है तो आप बुद्धिमान नहीं हैं, बट हाँ, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का पैसे के माहौल में भी ब्रॉट अप कैसे कर रहे हैं और बच्चे को क्या बताया जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे जैसा माहौल देखते हैं। अब उन्होंने देखा है कि हमारे घर पे पैसे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्यों पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब ऑलरेडी हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, देन वाई टू स्टडी और डू हार्ड वर्क अलॉट। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इस बात पर चिंतन ज़रूर कीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।